हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी न्यूज़। आज हम इस वीडियो में भारत के डीप ओशियन मिशन के बारे में जानेंगे कि भारत ये मिशन क्यों कर रहा है। सो लेट अस स्टार्ट। भारत में कैबिनेट की बैठक के बाद भारतीय केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने बताया है कि भारत के डीप ओशियन मिशन को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा मंजूरी मिल गई है, जिसके बाद समुद्री संसाधनों के उपयोग के लिए डीप सी तकनीक विकसित की जा सकती है, जिससे बिजनेस का क्षेत्र और ब्लू इकोनॉमी में मजबूती आएगी। इस मिशन के जरिए समुद्र में 6000 मीटर की गहराई में जाकर कई तरह के खनिज और समुद्री संसाधनों की खोज की जाएगी और समुद्री प्रौद्योगिकी में भी मदद मिलेगी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने इस मिशन के बारे में कुछ पॉइंट्स बताए हैं। सबको नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें अहम फैसले लिए गए। एक बहुत दूर दृष्टि का, भारत को नए युग में ले जाने वाला एक फैसला आज के मीटिंग में हुआ, वो डीप ओशन मिशन। गहरे समुद्र के तले एक अलग दुनिया है। आपको पता है पृथ्वी का 70% समुद्र ही है, तो उस समुद्र में एक अपनी दुनिया है, तो उसका बहुत ज्यादा अध्ययन भी नहीं हुआ था। तो भारत ने आज तय किया है कि आने वाले 5 सालों में ये डीप ओशन मिशन, इससे जिस ब्लू इकोनॉमी की हमने कल्पना की है, मत्स्य व्यवसाय से लेकर समुद्र की सारी शक्तियों का विकास के लिए दोहन करना, ये करने का काम होगा। इसके 5-6 विशेष बिंदु है, उतने केवल मैं बताऊंगा। इसमें एक विशेष प्रकार का सूट होता है, मैकेनिज्म है, टेक्नोलॉजी है। 6000 मीटर नीचे जाकर पानी में, वहां मिनरल्स है, उसकी स्टडी अभी तक नहीं हुई। भारत का 7000 किलोमीटर का किनारा है, 9 राज्यों से जुड़ा है, लेकिन हम डीप ओशन मिशन कभी किया नहीं, इसलिए ये काम पहला होगा। दूसरा, जलवायु परिवर्तन में हमेशा चर्चा होती है सी लेवल राइज की, ग्लेशियर टूटने की, टेम्परेचर में कम ज्यादा होने की, तो सचमुच में डीप सी में जाकर क्या परिणाम हो रहे हैं, इसका अध्ययन करने का भी एक काम इस मिशन में होगा। जैसे मैंने कहा, वहां एक अलग जीव सृष्टि है। आपको अगर बहुत दूर नहीं जाना है तो लक्षद्वीप जाके भी, या गुजरात के पास भी जहां कोरल है, तो कोरल की दुनिया को देखेंगे तो एक अलग दुनिया समुद्र के नीचे, समुद्र के तल में है, यह हमें समझता है। तो ये बायोडाइवर्सिटी का भी अध्ययन करेगी। गहरे समुद्र का आज तक एक तरह से सर्वे मिनरल के दृष्टि से नहीं हुआ, वो जो पहले मैंने बताया वो टेक्नोलॉजी मिशन एक तरह से है। ये जो है सर्वे होगा कि किस एरिया में है। वहां एक एडवांस मरीन स्टेशन भी स्थापित होगा,
जिससे ओशन बायोलॉजी का अध्ययन होगा, जो उद्योगों के लिए बहुत फायदेमंद रह सकता है। एक ऑफशोर ओशन सेंटर भी होगा जो थर्मल एनर्जी को ढूंढेगा। जमीन पर थर्मल एजेंसी देखी है, आइसलैंड में तो बहुत सारी है, अपनी यहां भी कुछ जगह है, लेकिन समुद्र में ये काम अभी तक नहीं हुआ था, वो भी होगा। लेकिन जैसे मैंने कहा, दुनिया के केवल 5 देशों में ये कैपेसिटी है, कैपेबिलिटीज है, टेक्नोलॉजी है। अमेरिका, रशिया, फ्रांस, जापान और चाइना। और इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो खुले तौर पर बाजार में नहीं मिलती, तो इसलिए ये खुद को ही डेवलप करना भी पड़ता है। तो एक तरह से आत्मनिर्भर भारत का भी एक आविष्कार है। एमएसएमई और स्टार्टअप को बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं, और इसलिए ये मिशन भारत को नए युग में ले जाने वाला, शोध के दुनिया में। उन्होंने बताया कि इस मिशन के जरिए समुद्री जीव विज्ञान के बारे में जानकारी जुटाई जाएगी और इसके लिए एडवांस मरीन स्टेशन की स्थापना भी की जाएगी और थर्मल एनर्जी का भी पता लगाया जाएगा। इंडिया ऐसी तकनीक डेवलप करने वाला 6ठा देश बन गया है। इससे पहले अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान और चीन ने ये तकनीक डेवलप की है। 5 साल के समय में इस मिशन का लागत लगभग 4,000 करोड़ रुपए आका गया है और इसे कई चरणों में लागू किया जाएगा। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय इस मिशन को लागू करने वाला नोडल मंत्रालय होगा। इस मिशन में अंडर वाटर रोबोट्स और मानव युक्त सबमरीन हैं। ये विभिन्न संसाधनों जैसे जल, खनिज और ऊर्जा का सीबेड और गहरे पानी में दोहन में मदद करेंगे। और इस मिशन में कई सरकारी विभाग जैसे रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन शामिल होंगे। तो ये था भारत के डीप ओशियन मिशन से जुड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।